खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लिडकॉम के द्वारा आज यहाँ पे चर्मक कौशल्य और हमारे चर्मकार भाइयों के लिए जिस तरीके से ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और यहाँ पे लिडकॉम द्वारा उत्पादित विविध वस्तुओं का प्रदर्शन, ये कार्यक्रम आज लिडकॉम के द्वारा पहली बार महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से यहाँ पे हमारे राजेश ढाबरे जी ने जो किया, निश्चित ही लिडकॉम के जो प्रोडक्ट है उसको इस माध्यम से मार्केट में उसको बढ़ावा मिलेगा और ये निश्चित ही बड़े पैमाने में मार्केट में और जो बाकी कंपनियां हैं जो चर्म वस्तुओं का उत्पादन करती है इनके साथ में ये लिडकॉम द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं का बड़े पैमाने में मार्केट में बिक्री करने के हिसाब से और हमारे चर्म भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने के निमित्त से ये जो कार्यक्रम आज यहाँ हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। कई कॉर्पोरेट कंपनियों के प्रतिनिधि भी यहाँ पे आए और विविध मंडलों के लोग यहाँ पे आए और सरकार के तरफ से भी कई लोग आए, तो निश्चित ही ये बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही अच्छा आज यहाँ पे उठा गया कदम है। मैं लिडकॉम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि निश्चित ही ये प्रयास भविष्य में हमारे लिडकॉम के उत्पादन को बढ़ावा देगा, भविष्य में हमारे हर तालुका में लिडकॉम के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का एक हम विक्री केंद्र शुरू करेंगे, उसका ब्रांडिंग भी करेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस के द्वारा विदेश में भी ये सब वस्तुएं भेजने का हमारा मानस है और उस दृष्टि से आज ये कार्यक्रम बहुत है। We are here to celebrate all the Charmakar Karagars making wonderful shoes and displayed their art throughout the years and never got enough glamour or encouragement. So I'm very happy to be a part of the initiative where we are going to clap for the people who are into shoeing. Ma'am, do you think that Lidcom as a brand that now is gaining presence in the country should also ideally have presence in the country? 100% because as long as this country, we tell the world that we are here and we exist, world may not know about it. So far, some brands or some
some models have been very regional areas. Congratulate government of Maharashtra to taking the lead from where this industry has been suffering for last many decades. Our this initiative cannot be successful unless and until three agencies don't come together. Successfully, Footwear Association has roped in center support. We have the support from the industry thought leaders, and now we thank state government of Maharashtra for taking the initiative and making this cluster what we are planning together, where there will be three stakeholders, that is the center, the state, and the thought leaders of this industry. Santu Ravidas, Charmadyog, Charmakar Vikas Mahamandal, Maharashtra, Ashek Mahamandal, and Sadachi Urpadan Kendra, Gallery, and Charmakar Samaracha, Sarvangin Vikas Ati, A Mahamandal, Ekrishit Saujata Pasna Tantra, Charmadyog, A Mahamandal, Payaput Kartika, and Charmadyaka Madhya Mahamandal, Kai Vata Hoshu. काय कामगिरी आम्ही बजावू शकतो, लीडरशिपची भूमिका बजावू शकतो का? या प्रेरणेतून माननीय मंत्री साहेब, राजकुमार बडोले साहेब, राज्यमंत्री साहेब, कामरे आणि सेक्रेटरी साहेब आणि शॉपरे यांच्या प्रेरणेतून मार्गदर्शनातून आजचा हा कार्यक्रम इथे घडत आहे. बेसिकली चर्मोद्योगामध्ये लेदर बिझनेसमध्ये लेदर असे जितके काही प्लेयर्स आहेत सगळ्यांना आम्ही इथे आमंत्रित केलं आहे, जेणेकरून चर्मोद्योग वाढेल. चर्मोद्योग वाढला तर चर्मकार समाजाला रोजगार मिळेल, त्याचं जीवनमान उंचावेल, क्वालिटी ऑफ लाईफ ऑफ द ट्रॅडिशनल स्किल लेबर इन लेदर, लेदर मेकिंग, लेदर आर्टिकल मेकिंग, लेदर फुटवेअर मेकिंग, हे सगळं वाढेल. आणि हे सगळे जे प्लेयर्स आहेत, जसं मर्चंट म्हणाले की स्टेट गव्हर्नमेंट, सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि लेदर इंडस्ट्री, प्रायव्हेट लेदर इंडस्ट्री हे जर एकत्र आले तर चर्मोद्योगाला चांगलं दिसेल. इट इज अ व्हेरी बिग फील्ड, व्हेरी बिग मार्केट. इंडियाच्या फॉरेन एक्शन डॉक्टरमध्ये पहिल्या 10 पैकी लेदर इंडस्ट्री येते, त्याच्यात महाराष्ट्राने का मागे राहावी ह्या विचारातून महाराष्ट्र कसा सामोरं जाईल आणि महाराष्ट्रात शेअर कसा वाढेल या दृष्टिकोनातून आजचा हा कार्यक्रम आपण इथे केलेला आहे. कन्सल्टेटिव्ह मीटिंग ऑफ द लीडर्स इन लेदर आणि अतिशय मोलाचा परमिशन लागणार आहे. आय एम व्हेरी थँकफुल टू ऑल द पीपल हू हॅव इन्व्हायटेड, हॅव कम अँड दे आर कंट्रीब्युटिंग टू द